हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में बताऊंगा। इस आईपीओ का नाम है प्लाजा वायर्स लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं, 71.28 करोड़ का इशू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे मेंशनड है, आप देख सकते हैं। क्या करें, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें, इस वीडियो को एंड तक देखें एंड यू विल हैव एन एग्जैक्ट आइडिया। प्लाजा वायर्स लिमिटेड, नाम सुना है इस कंपनी के बारे में? ये कंपनी वायर्स बनाती है और बहुत ही कॉमनली अवेलेबल है इनकी वायर्स थ्रू ऑल द इलेक्ट्रिकल शॉप्स इन इंडिया। प्लाजा वायर्स लिमिटेड ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2006 में एंड दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग वायर्स एंड सेलिंग एंड मार्केटिंग एलटी एल्युमिनियम केबल्स एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स अंडर द फ्लैगशिप ब्रांड नेम प्लाजा केबल्स एंड होम ब्रांड सच एज एक्शन वायर्स एंड पीसीजी। प्लाजा वायर्स वॉज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज नवरत्ना वायर्स, इसका पुराना नाम था नवरत्ना वायर्स। इनके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो हैं हाउस वायर्स, सिंगल एंड मल्टी कोर राउंड फ्लेक्सिबल वायर्स, इंडस्ट्रियल केबल्स एंड इंडस्ट्रियल केबल फॉर सबमर्सिबल पंप्स एंड मोटर अप टू 1.1 किलोवाट ग्रेड। कंपनी आल्सो प्रोवाइड अदर वायर्स एंड केबल प्रोडक्ट्स सच एज एलटी पावर कंट्रोल केबल्स, टीवी डिश एंटीना एंड कोएक्सियल केबल्स, टेलीफोन एंड स्विच बोर्ड इंडस्ट्रियल केबल्स, कंप्यूटर एंड लैंड नेटवर्क केबल्स, क्लोज सर्किट टेलीविजन केबल्स एंड सोलर केबल्स। बहुत कुछ है इनके पास, बहुत बड़ा वास्ट प्रोडक्ट एरिया है इनके पास। इनकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है दैट इज आल्सो वेरी गुड। इनका जो आफ्टर सेल सर्विसेज है दैट इज फॉर इलेक्ट्रिकल फैन। कंपनी हैज टाइड अप विद मोर देन 20 सर्विस सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। 2021 में अगर देखें तो प्लाजा वायर्स हैज एक्सपेंडेड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय लॉन्चिंग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स इन द नॉर्थ एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। 31 मार्च 2023 का डाटा देखिए तो कंपनी हैज गॉट ओवर 1,250 ऑथराइज डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस 3 ब्रांच ऑफिसेज इन राजस्थान, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश एंड 1 ब्रांच ऑफिस कम गो डाउन एट महाराष्ट्र, 4 वेयर हाउसेज इन उत्तर प्रदेश, असम, केरला एंड दिल्ली एंड C&F एजेंट इन 1 स्टेट दैट इज इन पंजाब। सो वेरी वेल कनेक्टेड एंड अवेलेबल, द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द इंडिया। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी की स्ट्रेंथ है दैट दे स्ट्राइव टू ऑफर अ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइसेस टू मेक देम एक्सेसिबल टू ऑल देयर कस्टमर्स व्हिच इज वन ऑफ देयर की कंपोनेंट्स। कंपनी का जो प्रोडक्ट बास्केट है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड है एंड इट हैज गॉट ईच एंड एवरी कंपोनेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड इन अ नॉर्मल हाउसहोल्ड। कंपनी की न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है व्हिच विल एनहांस द स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड द कंपनी विल बी एबल टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मोर। ये तो इनकी स्ट्रेंथ है। कंपनी के रिस्क क्या है? वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क इज द बिजनेस रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ दैट कैपिटल इज स्पेंट ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड स्टॉक्स। बिकॉज इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो इनको वर्किंग कैपिटल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। द बिजनेस एंड प्रोस्पेक्ट में सफर इफ दे आर अनेबल टू कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर ईच ऑफ देयर ब्रांड्स। तो इनको हमेशा एक ब्रांड के ऊपर फोकस करना पड़ेगा बिकॉज बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, इसलिए इनको हमेशा अप टू द मार्क रहना होगा एंड दैट इज वन ऑफ द अनदर रिस्क व्हिच द कंपनी हैज। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर। इनका 2021 में टोटल रेवेन्यू था 145 करोड़ रुपए जो कि बढ़ के हो गया 182 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 4 करोड़ रुपीज व्हिच हैज ग्रोन अप टू 7.5 करोड़ रुपीज इन 2023 व्हिच इज गुड। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस 35.66 करोड़ इन 2021 व्हिच हैज गॉन डाउन टू 22.5 करोड़ व्हिच इज नॉट गुड। बोरोइंग्स इनकी 43.5 करोड़ इन 2021 व्हिच हैज गॉन डाउन टू 39.68 करोड़ इन 2023, मार्जिनली डाउन गया है। तो कंपनी के फाइनेंशियल अगर नेटशेल में देखें तो अच्छे हैं, स्लो है बट डेफिनेटली दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो ग्रोन अप विच इज अगेन अ गुड एंड रिमार्केबल थिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है इस आईपीओ को लाने का? वन, दे वॉन्ट टू फंड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एज वेल एज दे वॉन्ट टू यूज दिस मनी फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है अभी? इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है सिर्फ 12 रुपए। क्या करें, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट जरूर करें, 4-5 लॉट जरूर अप्लाई करें रिटेल कैटेगरी में। इस आईपीओ को आप स्किप ना करें, ये आपको लॉन्ग रन में अच्छा कमा के देगा। लिस्टिंग गेन्स शायद मिले शायद ना मिले बिकॉज ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट आपको लॉन्ग रन में ये आईपीओ कमा के देगा। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े रह सकते हैं जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ वो डिफरेंट आईपीओ स्टॉक्स
SIPs, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। अगर डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, ओपन योर डीमैट अकाउंट बिना किसी चार्ज के। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।